नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला और सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर संभाग का, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी प्रशांत खींची। सीएम अशोक गहलोत ने आज बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर एक के बाद एक संवेदनशील फैसले लिए। वहीं कोरोना बाल कल्याण योजना के तहत गहलोत सरकार ने कोरोना से प्रभावित परिवारों के लिए बड़ी राहत दी है, जिसके तहत माता पिता या एकल पेरेंट की मौत होने पर अनाथ हुए बच्चों को तुरंत 1,00,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। वहीं 18 साल का होने तक 2,500 रुपए प्रतिमाह की सहायता मिलेगी। इसके अलावा बच्चे के 18 साल का पूरा होने पर 5,00,000 रुपए की मदद मिलेगी। इस दौरान 12वीं तक आवासीय विद्यालय या छात्रावास के जरिए निःशुल्क शिक्षा का भी प्रावधान है। वहीं कॉलेज में अध्ययन वाली छात्राओं को सामाजिक न्याय अधिकारिता छात्रावास में प्राथमिकता से प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा आवासीय सुविधाओं के लिए अंबेडकर DBT वाउचर योजना के साथ ही मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ते में प्राथमिकता मिलेगी। सीएम गहलोत ने कोरोना के कारण विधवा हुई महिलाओं को भी मदद का ऐलान किया है, जिसके तहत उन्हें 1,00,000 रुपए का एक मुक्त का एक्स ग्रेटिया मिलेगा। साथ ही 1,500 रुपए प्रतिमाह विधवा पेंशन का भी प्रावधान है। ये प्रावधान सालाना आय की अनिवार्यता से मुक्त होंगे। वहीं सभी आयु वर्ग की महिलाओं को ये मदद मिलेगी। वहीं विधवा महिलाओं के बच्चों को 1,000 रुपए प्रतिमाह के अलावा स्कूल ड्रेस और पाठ्य पुस्तकों के लिए सालाना 2,000 की मदद भी मिलेगी। वहीं शाम होते होते सीएम गहलोत के निर्देश पर बाल श्रम रोकने के लिए हाई पावर कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। अब बात करते हैं बीकानेर संभाग की, जहां की बड़ी खबर बता रहे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर जिला प्रशासन ने एक नवाचार किया है कि आपके मोहल्ले में ही वैक्सीनेशन वैन आएगी और उसमें मौजूद टीम आपको कोरोना का टीका लगाएगी। पहले दिन इस नवाचार के सुखद परिणाम भी देखने को मिले। लोगों ने जिला प्रशासन का आभार भी जताया। कलेक्टर नमित मेहता खुद भी अधिकारियों के साथ एक वैन के निरीक्षण पर पहुंचे। यहां पर कलेक्टर ने कहा कि हमारी कोशिश यही है कि 100% टीकाकरण हो। कल शहर के भीतरी इलाकों में भी मोबाइल वैन भेजी जाएगी। शाम ढले जिला कलेक्टर नमित मेहता बालिका गृह पहुंचे, यहां बालिकाओं से चर्चा की। कलेक्टर ने कहा कि लॉकडाउन के चलते लंबा अरसा हो गया था, बालिका गृह की विजिट नहीं हो पाई थी। उन्होंने बच्चियों को सीख दी, खूब मन लगाकर पढ़ाई करें। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में ये नवाचार जो है लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है। खास तौर पर घर के द्वार पर टीके आने से निश्चित तौर पर एक तो वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, साथ ही साथ 45 पार के जो लोग हैं उनको अब परेशानी कम हो गई है। अन्यथा वैक्सीनेशन के लिए उन्हें खासी परेशानी उठानी पड़ रही थी और भीड़ भरे केंद्रों पर जाना पड़ रहा था। अब उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे सहयोगी अनुपम दीक्षित। बांसवाड़ा जिले में वैक्सीन को लेकर के लोगों में गजब का उत्साह है और स्थिति यह है कि आज भी जब वैक्सीन लगी तो कड़ी धूप और गर्मी में लोगों ने 1 घंटे से ज़्यादा इंतजार करके वैक्सीन लगवाई है और स्थिति यह है कि बांसवाड़ा शहर हो या जिला हो, हर दिन लोग उत्साह के साथ वैक्सीन लगवा रहे हैं। बांसवाड़ा शहर हो या जिला, सभी जगह लोगों में वैक्सीन लगवाने के लिए उत्साह है और यही कारण है कि लोगों को जहां पर भी सूचना मिलती है कि यहां वैक्सीन लगेगी, बिना पंजीयन के बड़ी संख्या में लोग पहुंच जाते हैं और स्थिति यह रहती है हर बार पुलिस बुलानी पड़ रही है और पुलिस जाप्ता जब पहुंचता है, लाइन लगवाता है, तब जा करके लोगों में वैक्सीन लग पाती है और यही स्थिति आज बांसवाड़ा शहर की पृथ्वीगंज डिस्पेंसरी में भी देखने को मिली और यही स्थिति कमोबेश बांसवाड़ा के अन्य क्षेत्रों में भी बीते दिनों लगातार देखने के लिए मिल रही है। नाम भले ही बांसवाड़ा का आदिवासी बहुल्य बांसवाड़ा जिला हो, पर वैक्सीन को लेकर लोगों में गजब का उत्साह है और इसी उत्साह के कारण जिला प्रशासन हो या चिकित्सा विभाग, सभी लबरेज नजर आते हैं और वर्तमान कांग्रेस सरकार को इस बात के लिए बधाई भी देते हैं कि उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत अच्छी व्यवस्था की है। हालांकि वर्तमान में अभी महात्मा गांधी अस्पताल में वैक्सीनेशन नहीं होने से लोगों में थोड़ी निराशा है, क्योंकि उन्हें सिटी की डिस्पेंसरी पर
वैक्सीन लगवाने के लिए जाना पड़ता है। बांसवाड़ा जिले में अब तक 3,40,000 से ज्यादा यानी 3,40,885 लोगों को वैक्सीन कल शाम तक लगाई जा चुकी थी और आज की संख्या जोड़ ले तो यह 41 के पार हो जाती है, जबकि बांसवाड़ा जिले की जनसंख्या करीब 20 लाख है। ऐसे में सहज अनुमान लगा सकते हैं कि कम्प्लीटली 10% से ज्यादा लोगों के वैक्सीन लग चुकी है और यह तब है जबकि भले ही कुछ जगह से यह सूचनाएं आती हों कि लोग वैक्सीन से डरे हुए हों, पर इतनी संख्या में वैक्सीन लगना अपने आप में बड़ी बात है। इसके लिए बांसवाड़ा जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह हों, CMHO डॉक्टर HL ताबियार हों या PMO डॉक्टर रवि उपाध्याय, सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार टीमें मेहनत कर रही हैं उसी का नतीजा है कि इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन लग चुकी है। इसके साथ ही बताते चले, आज बांसवाड़ा में केवल वैक्सीन का 1000 डोज का स्टोरेज भी बचा है। अब कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे सहयोगी गुल मोहम्मद मुल्तानी। कोटा उप नारकोटिक्स ब्यूरो ने की बड़ी कार्रवाई, हेरोइन बनाने वाला बड़ी मात्रा में बरामद किया केमिकल। कोटा की उप नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने चित्तौड़ में कार्रवाई करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक कंपनी के टैंकर से हेरोइन बनाने के काम में लिया जाने वाला केमिकल बड़ी मात्रा में चुराया। सूचना मिलने पर उप नारकोटिक्स ब्यूरो कोटा की टीम ने चित्तौड़ पुलिस की मदद से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 24,050 किलो एसिटिक एनहाइड्रेट तरल पदार्थ बरामद किया है। ये केमिकल यूपी के गजरोल से गुजरात के अंकलेश्वर ले जाया जा रहा था। इस दौरान रास्ते में दोनों तस्करों ने टैंकर से इसे चुराया। फिलहाल नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम केमिकल सप्लाई करने वाली कंपनी से भी संपर्क साध रही है। अब भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे सहयोगी रवि कटारा। भरतपुर के कामा थाना इलाके के मुल्लका गांव में आपसी विवाद के चलते एक युवक की हुई फायरिंग में मौत। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए तैनात किया गया भारी संख्या में पुलिस बल। कामा थाना अधिकारी जमील खान ने बताया कि कामा थाना क्षेत्र के गांव मुल्लका में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष के देवी राम की मौत हो गई जबकि 7 जने घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। साथ ही मृतक का कामा के राजकीय अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। वहीं पुलिस की मौजूदगी में सबका अंतिम संस्कार कराया गया। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए RAC के 40 जवान सहित QRT टीम व थाने के पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए मुल्लका गांव के पहाड़ों में सर्च अभियान चलाया, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं। अब जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे सहयोगी बंसीलाल चौधरी। बाड़मेर के रागेश्वरी थाना क्षेत्र में एक युवक के आत्महत्या के मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब युवक की पत्नी ने हत्या का मामला दर्ज करवा दिया। बाड़मेर के रागेश्वरी थाना क्षेत्र में गत दिनों एक युवक की फांसी के फंदे पर झूलते हुए बॉडी मिली थी। उसके बाद परिजनों ने उसे आत्महत्या मानकर युवक के शव को दफना दिया गया था, लेकिन कुछ दिन बाद युवक की पत्नी ने एक युवक पर रेप का आरोप लगाते हुए उसके पत्नी की हत्या का अंदेशा जताया है। पत्नी के इस आरोप के बाद पुलिस ने नए सिरे से जांच शुरू कर दी है। अब पुलिस ने 23 दिन बाद आज युवक के शव को कब्र से बाहर निकालकर उसका पोस्टमार्टम करवाया है। प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष पोस्टमार्टम करवाकर युवक के शव को वापस परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। साथ ही साथ पुलिस अब ये जांच करने में जुटी हुई है कि युवक की हत्या है या फिर आत्महत्या। चलिए अब बात करते हैं अजमेर संभाग की, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी यूनुस गैसावत। अजमेर संभाग के कई जिलों में पेयजल संकट। नागौर में इंदिरा गांधी नहर का पानी आ जाने के बाद अमृत योजनाओं से जुड़े जाने के बाद नागौर के कई वार्डों में पानी की है किल्लत। कई वार्ड के लोगों द्वारा जिला कलेक्टर और नागौर नगर परिषद के लोगों द्वारा कई बार ज्ञापन देने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। आए दिन नागौर नगर परिषद के सामने पानी की समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान समय पर नहीं हो रहा। आपको बता देते हैं कि नागौर नगर परिषद और जलदाय विभाग के बीच आपस में समंजस्य नहीं होने के चलते शहर की जल आपूर्ति सही समय पर और सही ढंग से मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। इस पूरे मामले में नागौर नगर परिषद के आयुक्त श्रवण चौधरी का कहना है कि नागौर में इन दिनों अमृत अभियान के तहत पूरे शहर में
पेयजल की लाइनों की खुदाई की जा रही है। इसके चलते पानी की पर्याप्त सप्लाई में दिक्कतें पेश आ रही है। जलदाय विभाग के कई कार्मिकों के पद रिक्त पड़े हैं, जिसकी मॉनिटरिंग समय पर नहीं हो पा रही है। नियमित पेयजल सप्लाई और मॉनिटरिंग को लेकर नगर परिषद भी इन दिनों परेशान है। वहीं जलदाय विभाग के अधिकारियों के माने तो इस पूरे मामले में कहना है कि शहर में जिस तरह नागौर शहर को पानी की सप्लाई की जो मात्रा पहले 15 MLD दी गई हुई थी, अब उसे बढ़ाकर 18 MLD कर दी गई है, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। वहीं देखें तो नागौर में कई वार्डों में 10 दिन से एक दिन पानी की सप्लाई हो रही है, वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के चलते नागौर कलेक्ट्रेट और नगर परिषद के सामने आए दिन मटकी फोड़ और विरोध प्रदर्शन देखने को मिलते रहते हैं। नागौर के शहरवासियों को महंगे दामों में पानी के टैंकर खरीदने को इन दिनों मजबूर हैं। अधिकारियों को ज्ञापन देने के बाद भी ऐसा लगता है कि पूरा PHD महकमा और नागौर नगर परिषद की मॉनिटरिंग का सिस्टम ही फेल हो चुका है।